हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग से शुरुआत हुई थी और इस वक्त गुड इवनिंग हो चला है, यानी कि 4:20 हो गए हैं। कुछ ही देर बाद अपने कार्यक्रम के लिए हम जाएंगे तालठोक के, जो कि इस साल का अंतिम तालठोक के होगा। तालठोक का स्पेशल एडिशन 6 होगा। दोनों के टॉपिक्स क्या है वो मैं आपको बता दूँ। पीएफआई पर प्रतिबंध की पूरी तैयारी है, यूपी सरकार ने की है, जो कि सीएए को लेकर के जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे उसमें फॉरेन फंडिंग में पीएफआई का नाम सामने आया था। एंड सेकंड जो तालठोक के स्पेशल एडिशन मैं करूंगा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि भारत को मिला, कहा जा रहा है कि डिफेंस फोर्सेस के लिए ऐतिहासिक दिन है। उसके ऊपर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का यह कहना है, मनीष तिवारी ट्वीट करते हैं कि एडिक्वेट आपको इस कॉन्सिक्वेंसेज इसके भुगतने पड़ेंगे। वहीं अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि एक विचारधारा को आपने जो है आर्मी के उसमें ला करके रख दिया है। लेकिन खैर, आर्मी को लेकर के इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों होती है कांग्रेस को, ये सवाल हम पूछेंगे। लेकिन कम बैक ऑन टू द पॉइंट, सुबह जब आपसे मुखातिब हुआ था मैंने कहा था कि कुछ जो साल की मेरी कुछ मेमोरेबल घटनाएं हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और शाम को जब मैं आपसे मुखातिब होऊंगा जो आपकी शाम की जो इस साल की 2019 की खास घटनाएं होंगी वो आप हमें बताइएगा, वो आप हमें बताइएगा कि वो क्या क्या घटनाएं होंगी। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि पिछले साल इस वक्त हम कुंभ की प्लानिंग कर रहे थे, मैंने कुंभ की कवरेज आप तक पहुंचाई, पुलवामा अटैक हुआ, कश्मीर था, उसके बाद हम तालठोक के लेकर के गए इंडिया गेट की तरफ, फिर बीच में दो राज्यों के चुनाव आए, हरियाणा का चुनाव आया, महाराष्ट्र का चुनाव आया। सबसे बड़ा चुनाव तो 2019 का मई इलेक्शंस था, जब 23 मई को सब जानते हैं कि मोदी सरकार की वापसी हुई। तो बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए जो इस साल कवर किए, आप लोगों को हमने दिए। एंड अयोध्या सबसे बड़ा वर्डिक्ट जो है वो आया, 377 को हटाया गया। मैं ये पूछ रहा था दोपहर को कि आपके कौन कौन से टॉप ऐसे मोमेंट्स हैं वो हमें बताइए, हमें शेयर कीजिए, मैं ज़रूर उसकी बात करूँगा कि कौन कौन से ऐसे खबरें थी, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा आया वो आप हमें बताइए, या फिर कुछ चीज़ ऐसा शेयर करना चाहते हैं। तो मुझे लगातार लोग भेज रहे हैं कमेंट्स, तो मैंने आपको कहा था कि कुछ कमेंट्स आपके पढ़ूंगा और आपकी कुछ बातों का जवाब दूंगा। आशीष मिश्रा हैं, कह रहे जय हिंद सर, जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद। और ये है गंगाराम सुतार मंदन हैं, ये भी जय हिंद कह रहे हैं, गंगाराम जी आपको भी जय हिंद। ये प्रशांता बौरी जी हैं, कह रहे हैं हेलो सचिन जी, आपको भी हेलो। और ये हैं संजय मतौलिया, कह रहे हैं हाय सचिन जी, हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी जी हैप्पी न्यू ईयर, नया साल अच्छा हो, समृद्ध हो, खुशियां लेकर के आए, आप स्वस्थ रहें, नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही। 2019 की शाम जाते जाते जो है नए साल का पैगाम आपके लिए लेकर के आ रही है, और पार्टी रिस्पॉन्सिबली मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि खैर हम भी कल आपसे मुखातिब होंगे, दोबारा आप भी होंगे। और अनूप विक्रम सिंह भी कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम। कमलेश पटेल कह रहे हैं जय हिंद, कमलेश जी जय हिंद, आपको भी जय हिंद। और कुछ सवाल अगर मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं और अपनी कुछ बात, मैं तो कह रहा हूँ अपना कुछ शेयर कीजिए, इस साल आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा, न्यूज़ के लिहाज से कह सकते हैं, पर्सनल फ्रंट के लिहाज से, अगर आप किसी प्रोफेशनल तरक्की अगर आपकी हुई है उस लिहाज से कह सकते हैं। एंड जो चीज़ खुशी देती है ज़िंदगी में हमेशा वो ज़रूर करनी चाहिए, छोटे छोटे लम्हे होते हैं, शेयर कीजिए, मैं करता हूँ। रोहन कुमार कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आने वाला साल मंगलमय हो, ज़्यादातर जो है हैप्पी न्यू ईयर की विशेज आ रही हैं, चलिए आपके नाम लेते हैं। ये मलिका विश्वास हैं, ये हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं। एक्चुअल न्यूज़ ऑलवेज शोन इन जी न्यूज़ इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग इन करंट इवेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सनी जायसवाल है, ये कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू जी न्यूज़। एंड सुधीर सर, सुधीर जी तो ज़रूर आपकी शुभकामनाएं सुधीर सर तक भी हम पहुंचाएंगे। और ये अल्ताफ गर्दर जी हैं, ये भी हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर सचिन जी, कीप इट अप बिकॉज वी थिंक नेशन फर्स्ट, दैट्स व्हाट वी थिंक आल्सो, नेशन फर्स्ट ऑलवेज, विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2020। ये सुशांता कुमार दास कह रहे हैं आपको भी जी बहुत बहुत मुबारक हो, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगभग कितने बजे का वक्त है, 4 मेरे ख्याल से, न्यूजीलैंड में तो शायद नया साल हो गया होगा, कितना 4:30 के करीब वक्त होता है शायद, वहाँ 12 बजते हैं, 7:30-7 घंटे का फ़र्क होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में होगा,
एक वक्त मुझे याद है मैं ऑस्ट्रेलिया में था न्यूयॉर्क के वक्त, उस वक्त 7 घंटे के करीब का वक्त होता है, सबसे पहले न्यूजीलैंड फिर ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें आती हैं, फिर एक एक करके फिर शाम होते होते थाईलैंड की तस्वीरें आएंगी, जापान की तस्वीरें आएंगी, फिर उसके बाद देर रात हमारा न्यू ईयर, उसके बाद कल तक जो है क्योंकि हमसे जो है फिर अमेरिकन टाइम के हिसाब से वो कल तक आप देखेंगे कि कल दोपहर तक न्यू ईयर की तस्वीरें आते रहेंगी। सचिन सर मेरा बेस्ट मोमेंट है जी न्यूज़ का मिस कॉल सपोर्ट, अरे वाह बहुत बढ़िया, आप देखिए आपका ये सपोर्ट है, जब एक जी न्यूज़ ने जागरूकता मुहिम चलाई और 1 करोड़ से ज़्यादा मिस्ड कॉल आई हैं सीए के समर्थन में, ये तो खैर देशहित में ऐसे ही लगे रहो, उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर हम भी ये उम्मीद करते हैं कि देशहित में आप भी लगे रहें, हैप्पी न्यू ईयर 2020 सर, आपको भी जी हैप्पी न्यू ईयर, विपुल पारिक कह रहे हैं मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं, और ये नादान मीना हैं ये भी हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, अनुराग सिन्हा हैं हैप्पी न्यू ईयर सचिन जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, थैंक यू सर आपकी शुभकामनाओं के लिए, आप हमेशा शुभकामनाएं देते हैं ऐसे ही देते रहिए। देन मुबारकबाद दे रहे हैं, मुझे लग रहा है जिस तरीके से आ रहे हैं लास्ट डेज 2019 और बहुत बढ़िया साल आपके लिए रहे, आपके लिए भी ये भगवान झा कह रहे हैं, मुकेश सैनी हैं वो कह रहे हैं, तो चलिए अब ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हैं, और मैं तो चाह रहा था एक बार अमन से भी आपको मुखातिब कराता, एक बार देखिएगा अगर अमन है तो हम अमन से भी मुखातिब कराते हैं, तब तक हम आपसे बात करते रहेंगे, एक बार लेकर के चले क्या, लेकर के चले उन्हीं के पास लेकर के चलते हैं है क्या, हाँ वो यहीं हैं अभी यहीं बैठे हुए हैं, ये देखिए वहाँ मीटिंग का भी दिखा देते हैं, ये देखिए अमन यहाँ बैठे हैं, मैंने आपको कहा था कि मिलवाऊंगा ज़रूर लेकिन ये मिलने नहीं आ पाए, अभी पता नहीं नए साल में आपसे थोड़ी सी ये नाराज़गी रख रहे हैं क्या रख रहे हैं, मैं तो आपसे ये बहुत ये देखिए दर्शकों से नाराज़ है, दर्शकों से नाराज़ नहीं होना चाहिए अमन, दर्शक मैं आपसे नाराज़ हूँ, अच्छा मुझसे नाराज है, देखिए अमन मुझसे नाराज है, ये देखिए 5 बजे आप जो है आज आप डिबेट देखेंगे पीएफआई पर, पहले देखिए हैप्पी न्यू ईयर आपको तमाम व्यूवर्स विश कर रहे हैं, इनका नाम लीजिए और इनको कहिए, प्रियंका सिंह हैप्पी न्यू ईयर कह रही हैं, अभय मिश्रा हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, आर के रंजन आपको हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, आलोक शाह हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो, शीताला यादव, कमलेश पटेल आपकी लंबी उम्र करे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, अनमोल रतन, रीना सोलंकी और शिवा भटरई, सैल्यूट टू जी न्यूज, राजेश जी लव यू टू राजेश जी, चौधरी नरेंद्र मुंजाल, ज्ञान किशन जी कह रहे हैं अमन जी नमस्कार, ग्रेट मैन सर, जय हिंद, ये ज्ञान किशन जय हिंद। चलिए अब एक बार आपको बता देते हैं 5 बजे आज की जो डिबेट है बैन पीएफआई, सीधे सीधे हम लोग सवाल उठा रहे हैं पीएफआई पर पाबंदी कब, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले सितंबर 2017 में भी ये कई खुलासे हुए थे एनआईए की चार्जशीट में, गल्फ कंट्री से धार्मिक संगठनों के जरिए पैसा लिया था पीएफआई की तरफ से, और पीएफआई के आईएसआई कनेक्शन से लेकर कई इससे पहले भी कई इस तरह के मामले रहे हैं, चाहे संघ का सदस्य जो है रुद्रेश उसकी हत्या को चार्जशीट में एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा गया था, उसमें पीएफआई के लोगों का नाम था, और भी कई तरह के मामले हैं ना ये कि चार्जशीट रही है उसमें भी, और अब जो खबर है जिसके हिसाब से जो ओपी सिंह हैं जो कि डीजीपी हैं राज्य के, उनकी तरफ से गृह विभाग को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि जो है पीएफआई पर पाबंदी लगाई जाए, और उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन 5 बजे ताल ठोक के आप देखेंगे जिसमें आज आप देखने जा रहे हैं कि हिंसा का विदेशी कनेक्शन, विदेशी साजिश, कैसे फॉरन फंडिंग हुई, कैसे विदेशों से पैसा आया, और हिंसा के नाम पर जो आग लगाने की कोशिश की गई इसके पीछे पीएफआई और ये आरोप इस तरह के लग रहे हैं, पीएफआई और जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, पीएफआई का सिमिक कनेक्शन, मतलब अब पूरा जो नेक्सस है जिसके जरिए ये समझ में आ रहा है अभी फिलहाल ये हिंसा की आग जो साजिशन फैलाई गई इसमें विदेशी हाथ भी था, फॉरन से विदेशों से पैसा आया, और बैन पीएफआई, डिबेट 5 बजे ताल ठोक के सचिन। तो ये 5 बजे तालटोक की डिबेट अमन ने बताई, 6 बजे की मैं आपको बता ही चुका हूँ, और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल शुभ हो आपके लिए शुभकामनाएं, और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और ऐसे जी न्यूज़ देखते रहें, थैंक यू। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।